शादी जो है फाइनली हो रही है पूजा की जी, फाइनली शादी हो रही है, लेकिन यहाँ शादी नरेन के साथ नहीं हो रही है। यहाँ जो जिसके साथ शादी हो रही है वो अर्जुन है, और वो भी चाचा जी का बेटा है, और प्रिटेंड करता है कि वो भी अच्छा बेटा है इस घर का। लेकिन फाइनली अभी पूजा नरेन का वेट कर रही है, क्योंकि नरेन आएंगे तो दोनों भाइयों की सच्चाई जो है वो सबके सामने आएगी। खेल खत्म हो जाएगा बेसिकली, अंगराज का भी और अर्जुन का भी, सच्चाई सामने आ जाएगी तो पूजा नरेन के साथ हो जाएगी। लेकिन ये कैसी सिचुएशन है, पीछे नरेन की फोटो पर हार लगा हुआ है और यहाँ पर पूजा शादी कर रही है। आप लोगों को पता ही है कि फैमिली को लगता है कि नरेन और अंगराज दोनों की डेथ हो चुकी है, लेकिन सच्चाई ये है कि मामा जी और पूजा ने अंगराज और नरेन को दोनों को बेसमेंट में बांध के रखा था। अंगराज को चेन से बांधा हुआ था, नरेन को होश नहीं आ रहा था, और हम उसी दिन का वेट कर रहे थे कि जिस दिन नरेन को होश आएगा उस दिन दोनों भाई जो है वो व्यास मैं सबके साथ एक साथ खड़े होंगे, और फिर उसके आगे क्या होगा वो तो आप लोग को मालूम ही है। जी, अंगराज की एंट्री हुई है, क्योंकि यहाँ पे भी तीन कैंडिडेट्स हैं पूजन से शादी करने के लिए। लेकिन सच में रियल लाइफ में जिनके साथ ऐसा हो जाओगा, सो सॉरी, स्वयंवर भी नहीं यार, मतलब दो ईविल ब्रदर्स हुआ ट्राइंग टू मैरी द गर्ल एंड दिस एंड शी इज़ ऑलरेडी मैरिड टू वन ऑफ द ब्रदर्स। तो पूजा इज़ मैरिड टू नरेन, और वो वेट कर रही है कि कब नरेन आएगा और अंगराज और अर्जुन दोनों से उसे बचा कर ले जाएगा, और दोनों की सच्चाई भी सबके सामने। लेकिन पूजा, ये नरेन जो आए हैं वो आप कह रही हैं अंगराज हैं, बट हमें सबको पता है कि नरेन ही है, ये अंगराज के लुक में आए हैं यार। हाँ, मैंने भी अभी अभी सुना, लेकिन अगर मुझे स्टोरी अच्छे से पता होती तो मैं आपको ज़रूर बताती, अभी कुछ क्लियर नहीं है। तो नई दुल्हन को मतलब स्टोरी नहीं पता है? नहीं, नई दुल्हन को एक्चुअली पूजा को भी नहीं पता है। पूजा को तो यही लग रहा है कि अंगराज आया है, और अगर ऐसा है तो फिर तो मतलब अच्छा ट्विस्ट है ये। और शीन को क्या पता है? शीन को नहीं, मैं वही बोल रही हूँ ना कि पूजा को तो वैसे भी नहीं पता कि नरेन ही आया है, और शीन को सिर्फ इतना, शीन को भी इतना ही पता है कि अंगराज आया है, बाकी थैंक यू। बस लोग का पता है। चलिए।